है, लेकिन अब जो एक स्टॉक आगे चलकर फेवर में रहने वाला है वो होगा LIC का। दरअसल IPO से पहले लगातार खबरें आ रही हैं, और जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि 4 मई से LIC का IPO, जो कि देश का सबसे बड़ा IPO साबित होने वाला है, वो खुल जाएगा। ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा, जो कि सारे डिटेल्स पर करीब से नजर रखे हुए हैं। अंकुर बताइए, क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है LIC के IPO को लेकर? जी हाँ, LIC का IPO 4 मई से खुल सकता है, ये हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। और ये जो IPO है वो 4 से 9 मई तक खोला जा सकता है। इसके अलावा अगर एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो वहाँ पर ये IPO 2 मई को खुलेगी एंकर बुक, हमें सूत्र ये बता रहे हैं। 3 मई को चूंकि एक छुट्टी का दिन है तो उसके बाद नेक्स्ट डे से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये IPO खुलेगा। आपको याद दिला दें कि गवर्नमेंट ने एक अपडेटेड DRHP ऑलरेडी सबमिट किया है, जब से उन्होंने डिसाइड किया है कि सिर्फ 3.5% हिस्से की बिक्री वो करना चाहते हैं। ये पहले जो DRHP फाइल किया गया था उसमें 5% हिस्सा बिक्री की बात कही गई थी, लेकिन अब ये ऑप्शन रखा गया है कि वो सिर्फ 3.5% हिस्सा भी बेच सकते हैं, जो करंट मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से। और जो वैल्यूएशंस हैं वो भी अभी कम किए गए हैं, और जो पूरी कंपनी है वो करीब 6 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर रखी गई है। तो अब देखना ये होगा कि कितना जल्दी RHP फाइल होगा, क्योंकि उसके बाद ही इश्यू प्राइस साइज का क्लियर आइडिया लग सकता है। लेकिन हमें सूत्र यही बता रहे हैं कि गवर्नमेंट इस IPO से करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, और अगर प्राइस बैंड की बात करें तो वो 1,000 रुपए के नीचे हो सकता है। ठीक है अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट देने के लिए, और जो भी अपडेट्स LIC के IPO से जुड़े आएंगे बारीक से बारीक, अंकुर आपके लिए समय समय पर लेकर आते रहे।